अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि जेके बॉबी बी एस सी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो है फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सेकंड राउंड की, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, जो भी अपडेट होगा आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए, आपको पता होगा कि फर्स्ट राउंड में जो है जेके बॉबी ने जिन कैंडिडेट्स के 30 के प्लस पॉइंट्स हैं, 30 या 30 के अबव पॉइंट्स हैं, उन सारे कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है कि उनका ये कंफ्यूजन है कि 30 के प्लस जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स हैं, उन सारे कैंडिडेट्स को जो है वो फर्स्ट राउंड में जो है जाने का मौका मिला। दैट मींस कि सेकंड राउंड जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स जो है सीट्स कम है, ज़्यादा कैंडिडेट्स को उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, शायद यहाँ पर सेकेंड राउंड नहीं होगा। और काउंसलिंग में भी जो है काफ़ी इन्होंने चेंज वगैरह लाई थी, तो वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूँगा, सारा कुछ क्लियर करूँगा। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग से निकाल दो कि सेकेंड राउंड नहीं होगा, इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दो। सेकेंड राउंड जो है वो 100% आपका होगा, और सेकंड राउंड जो है वो डेफिनेटली होगा। भले ही उन्होंने जो है वो कितने ही कैंडिडेट्स को उन्होंने मौका क्यों ना दिया, सेकंड राउंड जो है वो डेफिनेटली होगा। और मैंने कंफर्म भी कर दिया था पिछले दिनों जेके बॉबी में, तो उन्होंने भी बोला सेकंड राउंड जो है वो डेफिनेटली होने वाला है, आप टेंशन कुछ भी मतलब। और आपके दिमाग में ये जो कन्फ्यूजन्स वगैरह होते हैं, इनको अपने दिमाग से निकाल दो, सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली होगा। तो बात अगर हम कर लें यहाँ पे सेकंड राउंड के कट ऑफ की, सेकंड राउंड में कट ऑफ जब वो ज़्यादा जा सकता है या कम जा सकता है, तो देखिए कट ऑफ का अभी कोई बोल नहीं सकता, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ होगा उससे कम हो जाएगा। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कैसे पता चल जाएगा, इसी वीक में जो है आपकी सिलेक्शन लिस्ट आने वाली है, और सिलेक्शन लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ चला गया। देन उसके बाद आपको सेकंड राउंड का हम बता सकते हैं कि सेकंड राउंड में जो है वो कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सेकंड राउंड में कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट राउंड। तो लास्ट ईयर का अगर आप देख लोगे, जब ऑफलाइन में आपकी काउंसलिंग होती थी, उसमें जो है वो 5 या 6 हज़ार तक रैंक के कैंडिडेट्स को बुलाया जाए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल 5000 कैंडिडेट की रैंक जिनकी है उनको बुलाया गया फर्स्ट राउंड की ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो उसके बाद जो सेकंड राउंड होता था, देन उसमें 6 या 6500 कैंडिडेट्स को जो है वो 6500 रैंक तक की कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाता था। तो वो यहाँ पर अब मैं आपको क्लियर करूँ, ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने आपको इसलिए बोला कि कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि 30 पॉइंट्स के बिलो जिनके पॉइंट्स हैं, क्या उनको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कोई नहीं कह सकता है किस पॉइंट वाले कैंडिडेट को सेकंड राउंड में मौका मिल जाएगा, ये कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अभी तो सीट मैट्रिक्स भी नहीं आया कितनी सीट्स वैकेंट है। हाँ, लेकिन शायद 30 पॉइंट्स के बिलो जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स हैं उनको भी शायद मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जेके पॉपी से जो कन्फर्म किया था पिछले वीडियो में, जो मैंने आपको बोला था, उन्होंने बोला कि 99% चांसेस हैं कि सेकंड राउंड जो होगा वो आपका ऑफलाइन ही रहने वाला है। तो ऑनलाइन सेकंड राउंड जो है वो रहने के चांसेस नहीं है, जस्ट मैं चांसेस बोल रहा हूँ, बाकी फिर आगे चल के उनकी क्या उसमें जो है काफ़ी कुछ होता है तो वो देख लेंगे उसमें। लेकिन ज्यादा चांसेस यहां पे सेकंड राउंड आपका जो है वो ऑफलाइन ही रहने वाला है। तो ऑफलाइन अगर रहा आपका, तो शायद ज्यादा कैंडिडेट्स को वो बुलाएंगे नहीं, बाकी ऑफलाइन अगर रहा तो जब नोट्स आ जाएगी उसमें आपको बता दिया जाएगा किस पॉइंट तक के कैंडिडेट को जो है वो आना है, किस पॉइंट तक के कैंडिडेट को नहीं आना है, वो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। अभी आपको कोई नहीं बोल सकता है कि 30 पॉइंट्स के बिलो जिन कैंडिडेट्स के पॉइंट्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कोई नहीं कह सकता है। इसको आप अपने दिमाग से जो है वो निकाल दो, जो ही नोट्स आ जाएगी मैं आपको समझा दूंगा। तो सेकंड राउंड का जो मैं बोल रहा था आपका, कि सेकंड राउंड आपका डेफिनेटली होगा, और सेकंड राउंड जो होने के चांसेस ऑफलाइन है, और सेकंड राउंड का कट ऑफ जो है वो फर्स्ट राउंड से डिक्रीज हो जाएगा। और सेकंड राउंड जो है, तो देखिए जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी ना फर्स्ट राउंड की, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए मंडे को सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है आज उनकी, तो आपको जो है वो 2 से 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा, यूजुअली 3 डेज का टाइम आपको दिया जाता है कॉलेज ज्वाइनिंग में, ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का टाइम आपको दिया जाएगा कॉलेज ज्वाइनिंग के, थर्सडे तक आपकी कॉलेज ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद फ्राइडे सैटरडे को जो है वो जेके बॉबी जो है डाटा चेक कर लेगी कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट रही हैं, जितने कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हुई उनमें से कितने कैंडिडेट्स ने एडमिशन किया और कितने कैंडिडेट्स ने एडमिशन नहीं किया, तो वो डाटा निकाल के वो सीट मैट्रिक्स एक निकाल देंगे 1-2 दिनों में। तो सीट मैट्रिक्स में क्या पता चल जाएगा कौन से कॉलेज में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं और किस कोर्स में किस कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, वो निकल के देन उसके बाद आपकी नोट्स आ जाएगी कि आप काउंसलिंग के लिए जो है वो इस दिन से इस दिन तक जो है वो इस रैंक से इस रैंक तक जो है वो कैंडिडेट आ सकते हैं। बाकी आप वेट कर लो, जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसके तुरंत कुछ ही टाइम बाद आपकी जो है वो सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 दिनों में आपकी कॉलेज ज्वाइनिंग हो जाएगी और 2-3 दिनों में सीट मैट्रिक्स आके 1-2 दिनों में जो है वो आपका, यानी कि सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद 5 या 6 दिनों तक आपका जो है वो सेकंड राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। क्योंकि जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है उनकी नोट्स के मुताबिक यहाँ पे अक्टूबर 31 तक सारी नर्सिंग की एडमिशंस जो है पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के जो एडमिशन है स्पेशली नर्सिंग के एडमिशन है वो इनको कंप्लीट करके देने हैं और वो कंप्लीट हो भी जाएंगे। तो दैट मीन्स कि सिलेक्शन लिस्ट भी यहाँ पे जल्दी आ जाएगी और आपकी जो यहाँ पे सेकंड राउंड है वो भी यहाँ पे आपका जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था सेकंड राउंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन, क्योंकि स्टूडेंट्स के काफ़ी कन्फ्यूजन थे इसके बारे में जो मैंने क्लियर करने की कोशिश की। स्टिल कोई कन्फ्यूजन और होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।